जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पान मसाला निकोटीन युक्त जितने भी प्रकार के पान मसाला और गुटखा है उस पर बंगाल सरकार ने 7 तारीख से प्रतिबंध लगा दिया है। और विभिन्न अलग अलग अगर राज्यों की बात करें या फिर कुछ विदेशों की बात करें तो वहां पर इस तरीके से जो तंबाकू युक्त जो भी पदार्थ है, नशीले पदार्थ है, उन सभी को उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पूरी तरीके से बैन लगाई गई है कि कहीं भी इस तरीके का पदार्थ नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी चोरी छिपे कहीं कहीं कुछ जगहों पर मिलती है। बंगाल सरकार ने एक कड़ी कदम उठाते हुए बंगाल में 7 तारीख से इस चीज को पूरी तरीके से 1 साल के लिए बंद कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर आज हम निकले हुए हैं और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिलीगुड़ी के प्राण केंद्र कहे जाने वाले नया बाजार के पान गली में। और यहाँ पर ये एक होलसेलर मार्केट है, साथ ही साथ एक मंडी है जहाँ से पूरे सिलीगुड़ी में और विभिन्न जगहों पर पहाड़ों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे सामान, और पान मसाला गुटखा सभी चीज़ यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो चलिए इस विषय को लेकर आज हम निकले हैं और इस मुद्दे पर डिप्टी मेयर का क्या कहना है, साथ ही साथ जो लोग इनका सेवन करते हैं और जो विदेशों में रहते हैं उन लोगों का इस विषय पर क्या कहना है हम सुनेंगे। अन्य राज्यों के जो निवासी है उनका भी क्या कहना है उनसे भी हम जानकारी लेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो पूरा पश्चिम बंगाल में गुटखा बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारा दुकान आज भी बिक्री गुटखा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 2-4 दिनों में गुटखा पर पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए। इससे यंग बेच जितने भी हैं हम लोग देख रहे हैं कि बाजार हो, रास्ता हो, ड्रेन हो या किसी के घर के वाल हो, ये पूरा एक गुटखा एक ऐसा परिचलन है जिसके कारण गंदा तो होता ही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। आशा करता हूँ कि 2-4 दिन में इस पर पूरा से पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए और जो दुकानदार बिक्री करते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध और प्रशासन के तरफ से उनके ऊपर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल के सामने, कॉलेज के गेट के सामने जितने भी पान दुकान है या मोदी खाना दुकान है वो लोग भी गुटखा बिक्री करते हैं, लेकिन उन पर भी पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए, यहाँ कंटिन्यू बंद होना चाहिए। आप सिक्किम का ही बात क्यों लेते हैं, जो हमारे पड़ोसी जो एक दूसरे जो देश है भूटान, वहाँ पर भी गुटखा के ऊपर में पूरा प्रतिबंध लगा हुआ है। আমরা কি বলবো, মানে যেটা ভালো করছে ভালোই, সবার দোকানে বন্ধ থাকলে আমাদের দোকানে বন্ধ, কোম্পানি যদি বন্ধ না হয় তাহলে এইসব দোকানে কী বন্ধ, লুকায় চোরায় তো আজকে বন্ধ হচ্ছে কালকে আবার বিক্রি হবে, কোম্পানি বন্ধ হলে ডাইরেক্ট বন্ধ হয়ে যাবে। আমি তো এমনি বেচে না, যব পাবলিক সব ফিরছে, আগে রানি হওয়া তো বেচে গা, আগে নেই রানি হওয়া তো নেই বেচে গা, আমি তো ফিলহাল কোনো দোকানে নেই বিক্রি হওয়া, সব বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু 4-5 দোকানে সব বন্ধ করে রাখা, উদার মে দোকানে सब बंद करके रखते हाँ, तो 2 रुपया रोजगार है, अगर सबको दुकान में मिलेगा तो हमको बेचने में आपत्ति है, अगर नहीं बिक्री होगा तो फिर थोड़ी बिक्री होगा। जैसे आज नहीं बिक्री हो रहा तो हम लोग बंद करके रखा, माल ही नहीं लाया बाजार से, पैसा फंसा के क्या फायदा। अब ऐसा ही अगर बंद ही हो जाएगा तो हम लोग कहाँ से बेचेंगे, अगर नहीं बंद। आज क्या बंद होने के बाद कस्टमर आए आपके यहाँ पे? आता है, हम लोग बोलते नहीं है, घूम के चला जाता है, कोई कोई आदमी पान खाता है, नहीं तो कोई चिप्स उप्स लेता है, नहीं तो बोलता है कोई चला जाता घूम के। না রজনীগন্ধা বা যেগুলো পানের সাথে রাখতে হয় সেগুলো তো আমাদের রাখতেই হতো। ইদানিং আমরা বেশ কিছুদিন ধরে শুনতে পাচ্ছি যে গুটখা জাতীয় গুটখা বা পান মশলা জাতীয় জিনিস পেপারে দিয়েছিল, তো ফ্রন্ট পেজে দেয়নি, পেপারের ভিতরে কোনো এক জায়গায় ছোট করে লেখা ছিল যে পান বিড়ি সিগারেট বা পান বিড়ি সিগারেট বলে লেখা ছিল না, গুটখা জাতীয় জিনিস বা পান মশলা জাতীয় জিনিস বন্ধ রাখবে সরকার থেকে। এটা একটা 7 তারিখ থেকে নির্দেশ দিয়েছে বন্ধ রাখার জন্য। না আমরা যেমন যেদিন থেকে আমরা শুনতে পেয়েছি যে জিনিসটা 7 তারিখ থেকে বন্ধে যাবে, যার ফলে আমরা আগের থেকে মালগুলো কম বেশি করে বিক্রি টিক্রি করে দিয়েছি, হয়তো 2-4-5 প্যাকেট থাকতে পারে ওটাও আমরা বিক্রি করে দেব। কিন্তু এতে কি হচ্ছে, যারা বিক্রি বন্ধ করছে আদার্স স্টেট থেকে যেসব মাল মার্কেটে ঢোকে তাদেরকে আগে বন্ধ করা, আর এটা তো অ্যাকচুয়ালি বন্ধ করাটা খুবই ভালো, কারণ হসপিটাল বা কোর্ট বা যেখানেই দেখা যায় পানের এই গুটখার পিকগুলো যেখানে সেখানে ফেলছে, হসপিটালে যেখানে রোগীর চিকিৎসা হয় তার পাশে দেখা গেল গুটখা পড়ে পানের পিক বা এইসব দিয়ে তো আরও একটা মানে পয়জন সৃষ্টি হচ্ছে। এর জন্য যে আমাদের যে বিক্রি হলে যে খুব যে খারাপ হবে তা না,
আদার্স এখন যে জিনিসটা আগে আমাদের যেটা মেন বিজনেস ছিল পানের, পানের বিক্রিটা কিন্তু আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে গুটকা বানানোতে। আর গুটকাতে কিন্তু আমাদের যে খুব যে একটা প্রফিটেবল তা না, বরঞ্চ পানে আমাদের ঠিক ছিল, কিন্তু পানে আবার উপকারও ছিল আর পানে খেলে পরে তেমন খুব একটা বেশি ক্ষতি হতো না, কিন্তু এতে তো বাচ্চা কাচ্চা সবাই খায়, এতে তো ক্ষতি খুবই, যার জন্য বন্ধ করেছে সরকার থেকে। এটা খুব একটা আমি বলবো খুব সাধুবাদ, এটাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, বন্ধ যদি করে খুবই ভালো হয় আর আমরাও বন্ধ করে দিচ্ছি। তাহলে আমাদের অসুবিধা কি, আমাদের পান বেশি বিক্রি হবে, পানটা বেশি সেল হবে, পানে ঠিক আছে, পানে ঝামেলা নাই, ইনভেস্ট কমে আসবে। ইয়ে যে বাংলা সরকার নে কিয়া হয় ये हमारे लिए, हम सिक्किम से तरफ से, तो मैं ये एक युवा परिक्रमा, ये सस्ता होने के नाते से मैं तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सभी का हानिकारक है, किसी का फायदा नहीं हो रहा है, सभी का नुकसान ही हो रहा है, समाज में भी नुकसान हो रहा है, घर घर में भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत आदमी दुख करता है, उसीलिए खाएंगे, उसीलिए आपका शरीर का नुकसान हो जाएगा, इसलिए सरकार के, हम संस्था के तरफ से भी, हमारे व्यक्तिगत तरफ से भी सरकार का थैंक यू देना चाहता हूँ। निकोटीन बंद किया है, पान मसाला बंद नहीं किया है, जो मिक्स है जर्रा और पान मसाला वही बंद है, जो मिक्सिंग है वो बंद है, उसमें निकोटीन है, पान मसाला बंद। हाँ, हम तो ये बेचते हैं जर्रा तंबाकू सिगरेट। बंद होने से हम क्यों बेचेंगे, अगर गवर्नमेंट लागू किया कि हम बंद करेंगे तो कोई उपाय नहीं है, अगर बंद नहीं करा किया है तो गुटखा जैसे कि है, गुटखा जो मिक्सिंग जर्रा वही बंद है, तो नहीं बेचेगा कोई, जर्रा और पान मसाला एक साथ में मिक्स वही ब्रांड है, इसमें जो निकोटीन जिसमें है वो मतलब बंद है, जिसमें निकोटीन फ्री है वो नहीं है, ज़्यादा मिक्स होने से वो नहीं बिक्री होगा। जैसे कि विभिन्न लोगों का कहना है और साथ ही साथ हमारे डिप्टी मेयर ने भी इस पर कहा कि गुटखा और पान मसाला निकोटीन युक्त जो भी पदार्थ थे उनको न सिर्फ एक साल के लिए बल्कि इस कदम को और भी महत्वपूर्ण बनाते हुए हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, जिससे उक्त व्यक्ति, उक्त लोग और उनके परिवार भी सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि यह जो तंबाकू युक्त निकोटीन युक्त गुटखा है इस पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दी जाए, साथ ही साथ अन्य नशीले पदार्थों पर भी पूरे तरीके से बैन हो जाना चाहिए। सिलीगुड़ी से प्रदीप रॉय के साथ नेहा गुप्ता, एस्कलाइव। गढ़ सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811।